सो गाइज, अभी आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये अपडेट मैं कल ही शाम को ही दे दिया था। क्योंकि आपको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जॉब पर चला गया था तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ अपडेट मैं जरूर टेलीग्राम पर आप सबको दे दिया था कि भाई अभी SBI में भी आधार UPI सिस्टम आ चुका है। सो अगर आपको फर्स्ट टाइम आधार UPI इनेबल करना है तो इसके लिए आपके पास जो है भीम एप्लीकेशन होना चाहिए। भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, या तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो जो अपडेट रहता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ, ताकि आप सबको लिए भाई तुरंत जानकारी मिल जाए, ठीक है। तभी आपको करके दिखाने वाला हूँ कहाँ पे होता है आधार UPI। तो आप ये है भीम एप्लीकेशन, भीम एप्लीकेशन आप जैसे गूगल प्ले स्टोर पर सर्च भी करो तो आपको दिखाई देता है, भीम ऐप भी सर्च करो, देखिए ये नाम है भीम ऐप का। तब जैसे ये भीम ऐप सर्च करोगे ना, इस तरह से भीम नाम आता है। अगर भीम एप्लीकेशन का इंटरफेस देखोगे तो देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस होता है भीम एप्लीकेशन का। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पर भी वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इंस्टॉल इसको कर सकते हो। सो अगर जैसे अपना भीम एप्लीकेशन में अकाउंट बना लोगे, उसके बाद आपको यहाँ आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले ऊपर आपका एक QR कोड देगा, जो कि आपका पर्सनल QR कोड रहेगा। इसके थ्रू आप किसी भी मर्चेंट से पेमेंट आप ले सकते हो, या किसी भी फ्रेंड सर्कल हो, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी कस्टमर से पेमेंट आप इस QR कोड की मदद से ले सकते हो। इसके नीचे में आपको दिखाई देता है आपको अकाउंट, जो कि मेरा SBI अकाउंट है। आगे में एक और ऑप्शन दिखाई देता है एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो और भी अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके मान नाम लीजिए कि अगर आपके नाम से जो और भी कोई अकाउंट होगा तो उसको भी आप यहीं से जो है इजीली लिंक कर। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हमको लिंक करना है तो मैं एयरटेल यहाँ पर सर्च किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइज किया जाएगा, तो वेट कर लीजिए। उसको देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पर आ चुका है, इस पर आपको टिक लगाना है, बस हो गया, यस करना है। आपका यहाँ पर जो है एयरटेल अकाउंट मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। फाइनली यहाँ पर भी मेरा हो चुका है, दो अकाउंट मेरा इस एप्लीकेशन में लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ बाइक आता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि बाइक आने के बाद ही कमाल होने वाला है। तो चलो इस पर क्लिक करता हूँ। अभी ये देखिए ये अकाउंट है, तो आपको इस अकाउंट पे क्लिक कर देना। चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर आपका सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ आपको दिखाता है सेंड मनी का, सेंड टू सेल्फ मनी का। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाता है फॉरगेट UPI पिन का, आगे में रिमूव बैंक का, उसके बाद चेंज UPI पिन का, उसके बाद जो है बहुत सारा ग्लोबल दिया गया, रिफ्रेश दिया गया। अगर आपको बैलेंस चेक करना है, इंस्टेंटली चेक करना है, तो रिफ्रेश पे क्लिक करके अपना बैलेंस को चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई आधार कार्ड के थ्रू अगर UPI पिन बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन को चॉइस करना पड़ता है फॉरगेट UPI पिन का, ठीक है। तो आप फॉरगेट UPI पिन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाता है डेबिट कार्ड, जो कि अभी आपको डेबिट कार्ड को क्लोज करवा लेना है। क्यों क्लोज करवाना है? क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो एनुअल फी लगता था, SMS चार्ज सब लगता था, वो सब का सब यहाँ से आपको माफ हो जाएगा, आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके नीचे में आपको दिखाई देगा आधार नंबर, यानी ये अपडेट अभी आपको फाइनली आ चुका है। इसमें भी अभी आपको आधार कार्ड का नंबर के थ्रू अपना UPI पिन बना सकते हो। प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ बताया जाता है, याद रखिएगा, जब भी आप अपना आधार कार्ड के थ्रू आप UPI पिन बनाते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें आपका मोबाइल नंबर से एक आधार कार्ड का नंबर जो है, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी बैंक में भी सेम बैंक में भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ही जाके ये काम करने वाला है। अगर जैसे कि आप मान लीजिए आप आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन वो मोबाइल नंबर आपको बैंक में लिखे नहीं है, तो फिर आप ये काम आपका नहीं होगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर में आपका आधार कार्ड लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए। फिर आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद प्लीज वेट करके मैसेज आएगा जहां हमको बताया जाएगा आधार इज नॉट लिंक। अगर आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई साहब आपका जो है ये मोबाइल नंबर से आपका जो आधार कार्ड लिंक नहीं है। अगर लिंक रहेगा यहाँ आपको कुछ प्रोसेसिंग होगा, वो प्रोसेसिंग के बाद क्या करना पड़ता है आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ आएगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपको फर्स्ट डिजिट जो है आपका आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। यानी इससे पहले आता था कि लास्ट नंबर डालना है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, हम लिखा भी रहता है, आप देख लीजिएगा जब भी क्रिएट कीजिएगा प्रोसेस, आपको देख लेना है कि आधार कार्ड फर्स्ट बोलता है या लास्ट बोलता है। जो भी बोलेगा, जैसे फर्स्ट बोलेगा तो फर्स्ट नंबर डालोगे, अगर लास्ट यहाँ पड़ेगा तो आपको लास्ट नंबर डालना है, 6 नंबर डालना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हो जाता है, फिर आपको ऑटोमेटिक वहां से आधार कार्ड के द्वारा एक OTP आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक भी OTP भी ले लेगा, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सबमिट करना है तो सबमिट सिर्फ कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद अभी आपको ये नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। चलो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि सेट 4-digit UPI पिन, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें अपने मन से आपको एक पिन बनाना पड़ता है। तो आपको पिन आप यहाँ पे बना सकते हो और सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको एक पिन यानी दो बार बनाना पड़ता है, कर देंगे तो उसका देखिए प्लीज वेट, इस तरह का इंटरफेस होगा। अभी आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए पिन आपका सक्सेसफुली बन चुका है।
सो गाइस इस तरीके से अपने आधार कार्ड की मदद से SBI अकाउंट में भी, या अगर आपके पास ICICI अकाउंट है तो इसमें भी, HDFC अकाउंट है तो इसमें भी आ चुका है, तब सब अकाउंट में भी आधार कार्ड की मदद से ही जो अपना UPI को क्रिएट कर सकते हो और अपने एनुअल चार्ज से बच सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप सबके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।